नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजगुरु जी यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने शाला दर्पण पर ऑनलाइन कक्षा पांचवी या कक्षा आठवीं के आवेदन कर दिए हैं बोर्ड एग्जाम के, और उन्हीं आवेदन में किसी तरह की त्रुटि या गलती हो चुकी है, तो उसे किस तरह से सही किया जा सकता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। साथ में ही मैं आपको लाइव करके भी बताऊंगा इस प्रोसेस को, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप कक्षा आठवीं बोर्ड या पांचवी बोर्ड के आवेदन को अपडेट कर सकते हैं अगर आपने उसे फाइनल लॉक नहीं किया है तो। अगर फाइनल लॉक कर दिया है तो आप उसे एक बार अनलॉक जरूर कराएं अपने उच्च अधिकारी CBEO से, और इसके पश्चात आप उसे अपडेट जरूर करें। इस वीडियो में मैं आपको चाहे स्टूडेंट के डिटेल से संबंधित कोई अपडेट, यानी कि उसका डाटा गलत एंट्री हो रखा है, उसका मोबाइल नंबर या नाम गलत एंट्री हो रखा है, तो उसे सही करके बताऊंगा, या फिर आपने गलती से स्टूडेंट का फोटो गलत अपलोड कर दिया है, या फिर गलत अपलोड हो चुके हैं स्टूडेंट के सिग्नेचर, तो उसे अपडेट किस तरह से करने हैं, इसका प्रोसेस भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और उस प्रोसेस को समझने की कोशिश जरूर करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने जब बोर्ड का फॉर्म भरा कक्षा पांचवी का, तो इसमें मेरे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर गलत एंट्री था। अब मैं चाहता हूं कि उसका मोबाइल नंबर सही एंट्री हो जाए इस फॉर्म में। मैं फॉर्म को बता देता हूं एक बार, तो यहां पर मैं व्यू पर क्लिक करूंगा, उसका फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें उसका मोबाइल नंबर गलत एंटर हो चुका है। आप उसका मोबाइल नंबर यहां पर देख सकते हैं जो गलत एंटर है। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर इस मोबाइल नंबर की जगह सही मोबाइल नंबर एंटर हो जाए, तो मैं यहां पर से अपडेट करूंगा, ये फॉर्म अप्लाई हो चुका है, इसे फाइनल लॉक नहीं किया है। तो इसे अपडेट करने के लिए मैं यहां से इसे क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद मैं यहां से जाऊंगा, मैं यहां पर वापस से अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करता हूं, उसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहां पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहां पर आप उसका मोबाइल नंबर सही एंटर कर सकते हैं। तो मोबाइल को इस तरह से आप सही एंटर कर दीजिएगा। सही एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सेव का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसका मोबाइल नंबर यहाँ पर सक्सेसफुली सही एंटर हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ से इसका पता भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, नया पता टाइप करेंगे और इसके बाद सेव बटन पर क्लिक जरूर करें। अब हम चेक करते हैं कि इसका फॉर्म अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर लास्ट में 7 की जगह 9 था, तो देखते हैं हम वहाँ पर 7 हुआ या नहीं हुआ। यहाँ से बैक जाएंगे, व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर व्यू वाले ऑप्शन पर, इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, आप देख सकते हैं उसका मोबाइल नंबर सही से एंटर हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट की स्पेलिंग अगर गलत है और इसे सुधारना चाहता हूँ, तो इसे भी सुधार के देख सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ से इसे क्लोज करेंगे, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, विद्यार्थी के ऑप्शन पर जाएंगे। ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर विद्यार्थी विवरण संशोधन प्रपत्र 5 को क्लिक करेंगे, यहाँ पर उस कक्षा को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, कक्षा सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद शो पर क्लिक करेंगे। उसके नाम को अपडेट करने के लिए आप दिख रहे हैं, यहाँ पर उसका नाम शो हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट है जिसे भी अपडेट करना है, उसके नाम के आगे यहाँ पर आपको ये बटन आपको शो हो जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्रॉस वाला ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर उसका SR नंबर या फिर नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उसकी कास्ट या जेंडर, जो भी अपडेट करना है उसे अपडेट कर दीजिएगा। अपडेट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे अपडेट करने के बाद वापस इसी पर क्लिक करेंगे, तो ये सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब वापस से आप फॉरम में जाएंगे, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और वापस फॉरम को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर कक्षा और सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद गो पर क्लिक करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर उसका डाटा सही हो चुका होगा। इसके बाद सही नहीं हुआ है तो भी इसे चेक कर लें, सही हो चुका होगा। इसके बाद आप इसे कंफर्म कर देंगे तो ये डाटा फॉर्म में भी सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको उसका मोबाइल नंबर और ये सब कुछ सही एंट्री होने के बाद आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पर इसे भी सेव कर दीजिएगा और इसके बाद आप वापस बैक क्लिक करेंगे। ऐसा करने पर आपका फोटो यहाँ से हट चुका होगा, तो आप वापस अप्लाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इसे यहाँ से उसका फोटो और उसका सिग्नेचर अपलोड कर दें और इसके बाद इसे कंफर्म और सेव कर दीजिएगा, तो यहाँ पर उसका फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं किसी स्टूडेंट का गलत स्टूडेंट का सिग्नेचर या फोटो अपलोड हो चुका है,
तो उसे अपडेट कैसे करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर हम वापस अप्लाई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करेंगे, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सही स्टूडेंट का फोटो सेलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसे एडजस्ट करने के बाद क्रॉप करेंगे और कंफर्म फोटो पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सही स्टूडेंट का फोटो अपलोड हो चुका है। अगर आप सिग्नेचर भी अपडेट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और सिग्नेचर को सेलेक्ट करेंगे और इसे अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आप इसे अपडेट कर सकते हैं फोटो और सिग्नेचर को। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मैं लेकर आता ही रहता हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राजगुरु जी साइनिंग आउट। नमस्ते।